नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पाकुड़ जिले में अपराधी एक बार फिर बेलगाम हो गए हैं। सोमवार की शाम लगभग 6 बजे अज्ञात अपराधियों ने मनिका के मुखिया व उसके परिवार पर बम से हमला कर दिया। इस घटना में मुखिया कौसर अली और उसकी 3 साल की बेटी निगार खातून की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी नसीमा व 4 साल का पुत्र जुनाई अहमद बुरी तरह से घायल हो गया। वही मुखिया के चचेरे भाई चालक अमीरों से भी आंशिक रूप से घायल। घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुखिया को अपने कार से पाकुड़ से घर लौट रहे थे। उनकी कार कुसमा फाटक पार कर जैसे पहलवान थाना पहुंची, पूर्व से घात लगाए बैठे 10 से 12 अज्ञात अपराधियों ने कार को रोककर बम से हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने 10 बम फोड़ा। उसमें मुखिया व उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी व बेटे की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। इधर जिले के पुलिस कप्तान पी दनादन घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचे और इसके बाद घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा, कोई भी अपराधी पुलिस से बचने वाला नहीं है, ऐसी घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।